तो इस वीडियो में चर्चा करेंगे टोक्यो गॉड फादर्स, देखो टोक्यो रिवेंजर्स नहीं कहा है, टोक्यो गॉड फादर्स एनिमे मूवी के बारे में जो 2003 में आई थी। तकरीबन इसकी लेंथ 1 घंटा 30 मिनट के आसपास है। और इस मूवी को देखने का सबसे बड़ा रीजन, इसके जो डायरेक्टर है सातोशी कोन, शायद मैंने उनका नाम सही से लिया हो, उनकी जो मैं 2 मूवीज ऑलरेडी देख चुका हूँ, काफी सारी मूवीज है इनकी, एक एनिमे सीरीज भी, मतलब बहुत सारी इन्होंने काम किया हुआ है और बहुत बढ़िया काम करते हैं। इनकी जो 2 मूवीज मैंने देखी थी, एक पैप्रिका नाम से एक एनिमे मूवी थी और एक परफेक्ट ब्लू करके एक एनिमे मूवी थी, सबसे बेस्ट मुझे वो मूवी लगी है। उसमें तो यार भाई दिमाग घुमा देते हैं यार, हो क्या रहा है, क्या सच्चाई है, क्या रियलिटी है, क्या सपना है, पता ही नहीं चल रहा। उसको 2-3 बार देखो तो तब जाके वो चीज क्लियर होती है। वो जब से मैंने वो मूवी देखी थी, मैं तो मतलब फैन हो गया था सातोशी कोन के, जो इन्होंने जितनी भी मूवीज और सीरीज बनाई हुई है, अभी फिलहाल उनको मैं कंप्लीट कर रहा हूं। मैं अभी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनका रिव्यू करूंगा, अभी लगा हूं, जैसे जैसे टाइम मिल रहा है मैं उसको खत्म कर लूंगा। वैसे मैं अपनी मतलब कोई कमिटमेंट नहीं करना चाहता। तो अब इस मूवी की स्टोरी की बात कर लेते हैं। देखो मैं कोशिश करूंगा कि इसमें स्पॉइलर ना दूं, क्योंकि कहते हैं यार तुम स्पॉइलर दे देते हो, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ। वैसे भी मैंने चीजें लिख ली हैं कि मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, थोड़ा बहुत एक्टिंग कर रहा हूँ ना, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बन जाए। इस मूवी के अंदर 3 बेघर लोग दिखाए गए, यानी टोक्यो गॉडफादर के अंदर 3 बेघर लोग हैं, होमलेस पीपल, जो मतलब कचरे में कुछ ढूंढ रहे होते हैं, कपड़ा ढूंढ रहे होते हैं, कुछ भी अपने लिए वो ढूंढ रहे होते हैं। तो उनको उस कचरे में एक 3-4 महीने की एक छोटी बच्ची इनको मिलती है। तो ये डिसाइड करते हैं, ये तीनों डिसाइड करते हैं कि क्यों ना इस बच्चे को इसके माँ बाप तक पहुंचाया जाए। और जब ये डिसाइड करते हैं तो इनकी लाइफ कैसे चेंज हो जाती है रातों ही रात, मतलब कोई इनको पैसे नहीं मिल जाते हैं, इनके सामने इतनी मुसीबत आती है, तो वो चीजें इसमें हमें देखने को मिलती है। और ये जो 3 जो लोग दिखाए गए हैं, 3 जो पर्सन है, तो होमलेस जो पर्सन है इसके अंदर, एक तो ट्रांसजेंडर है इसके अंदर, एक मिडल एज पर्सन है और एक शायद 12 से 13 साल की एक लड़की दिखाई गई है। इसकी अपनी एक कहानी, मतलब तीनों की अपनी अपनी कहानी है, ये बेघर क्यों हुए हैं, ये इस तरीके से जीवन क्यों जी रहे हैं, ऑलरेडी इनकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम चल रही है। तो ये सारी चीजें हमें बताई जाती हैं, उनकी स्टोरी हमें बताई जाती है, जिससे हम इन कैरेक्टर से कनेक्ट हो जाते हैं, तो ये सब चीजें हमें देखकर काफी अच्छा लगता है। और जब मूवी स्टार्ट होती है तो इसकी कहानी सच में मुझे बहुत पसंद आई। जैसे स्टार्टिंग से शुरू होते हैं कि जैसे शुरुआत से जैसे दिखाया जाता है कि इनका स्ट्रगल देखने को, स्ट्रगल तो क्या मतलब, जैसे ये जीवन यापन कर रहे हैं तो इनको बच्ची मिलती है तो ये कैसे डिसाइड कर रहे हैं, फिर इनमें आपस में बहस होती है, ये चीजें जब दिखाई जाती हैं तो वो देखकर काफी अच्छा लगा। खैर मैंने इतना कुछ नहीं बताया इस वीडियो के अंदर कि अभी आप सोचो कि यार बहुत ज्यादा कुछ तुमने बोल दिया है, ये तो हमें स्पॉइलर मिल गया। मतलब जब मैंने IMDb के ऊपर चेक किया कि भाई हाँ कितना इसमें लिखा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैंने इसमें लिखा है, मतलब अपनी स्क्रिप्ट में लिखा है बोलने के लिए कि हाँ मैं इतना ही बोल देता हूँ ताकि आप लोगों को स्पॉइलर ना चला जाए, आपका इंटरेस्ट खराब ना हो जाए। हाँ थोड़ा बहुत ये बता दूंगा कि हाँ मूवी इंटरेस्टिंग है, इसके अंदर ये वाला सीन काफी अच्छा है। अब सातोशी कोन की अगर आप कोई मूवी या एनिमे सीरीज की बात करते हैं जितनी मैंने देखी हुई है, तो देखो यार उसके अंदर एनिमेशन आप लोगों को एक अलग ही मिलती है, क्योंकि इसके अंदर जैसी डिटेलिंग की गई है वो बहुत उम्दा लेवल की डिटेलिंग है, मुझे काफी ज्यादा पसंद आती है। परफेक्ट ब्लू की एनिमेशन देख लो या पेपरिका की एनिमेशन देख लो, इनकी अलग ही एनिमेशन मिलेगी, एक अलग ही जोनर आप लोगों को देखने को मिलेगा। हाँ फील होगा कि यार डिफरेंट वर्क देख रहे हैं। बाकी की एनिमे हम देखते हैं, एनिमेशन जो देखते हैं उनके अंदर हमें सेम सा फील होता है कि यार हाँ यार इसमें थोड़ा सा सेम है उसकी पिछले वाली एनिमे से जो हमने कभी दूसरी देखी थी, लेकिन इसमें ऐसा फील नहीं होगा, इसमें अलग ही टाइप का फील आ रहा होगा आप लोगों को, जो मुझे पर्सनली मुझे पसंद आई ये चीज। और जैसे इन्होंने एनिमे कैरेक्टर इसके अंदर बनाए हैं, उनके हाव भाव जैसे इसमें दिखाए जाते हैं वो बहुत बढ़िया हमें दिखाए गए। फिर इसमें जो वॉइस जो डबिंग की गई है एनिमे कैरेक्टर के साथ, जो इतनी जबरदस्त लगती है, उनके फेशियल एक्सप्रेशन जैसे दिखाया जाता है एनिमे कैरेक्टर का, उसके अकॉर्डिंग वॉइस आ रही है, तो वो हमें बहुत ज्यादा कनेक्ट करती है, पसंद आता है यार देख करके। रियलिस्टिक सी फीलिंग आने लग जाती है कि हाँ यार कितना बढ़िया एक्सप्रेशन दिया है। और जब आप इस मूवी को देखोगे तो एक अलग ही एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। इसका म्यूजिक काफी अच्छा है, साथ ही साथ इसकी स्टोरी काफी अच्छी है, और जब ये दोनों मिल जाते हैं एक साथ, मतलब म्यूजिक और स्टोरी दोनों इतनी बढ़िया है, फिर एक मूवी एक अलग ही लेवल पे जाती है, हमें वो पसंद आने लगती है कि यार देखो यार दोनों ही चीजें अच्छी हैं, मूवी काफी अच्छी बन जाती है इससे। फिर इसके अंदर डायलॉग जो दिखाए गए हैं, वो जो बोले गए हैं वो बहुत बढ़िया है, ह्यूमर है उनके अंदर, हमें वो बहुत पसंद आते हैं। कई कई जगह तो यार मतलब इस तरीके के एक्सप्रेशन थे, इस तरीके का डायलॉग था, मतलब वो बता नहीं पा रहा हूं उस स्पेशल
जो सीन मैंने देखा है, जब आप खुद देखोगे तब आपको फील होगा कि हाँ यार ये चीज तो वाकई में बहुत बढ़िया की गई है यहाँ पे। और आप इस मूवी को अगर ध्यान से देखो तो आपको इसके अंदर एक सैड, एक उदासी नजर आएगी, क्योंकि इसके अंदर जैसे दिखाया गया है इन तीनों की जो जर्नी दिखाई गई है कि भाई ये बच्ची को जब लेने मतलब अपने उसके माँ बाप तक, रियल जो उसके माँ बाप है उस तक ये पहुंचाते हैं, तो इनके सामने क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, कैसी कैसी गरीबी दिखाई गई है, कैसी दरिद्रता दिखाई गई है, कैसी लाइफ ये जी रहे हैं, वो चीजें दिखाई गई है। तो एक तरीके का उदास, एक डार्क साइड हमें देखने को मिलता है, बावजूद इसके एक उम्मीद हमें यहां दिखाई जाती है कि हाँ अभी भी इस कड़कड़ाती ठंड के अंदर, इतनी गरीबी के अंदर खुद उनका जीवन इतना मुश्किल हो रहा है, इन तीनों का जीवन इतना मुश्किल है, इनके पास रहने का खुद का स्थान नहीं है, खाने के लिए इनके पास कुछ नहीं है, बावजूद इसके ये इस बच्ची को इसके मां बाप तक पहुंचाना चाह रहे हैं। और इसकी एंडिंग जो हमें देखने को मिलती है उसके अंदर भी सस्पेंस रखा गया, वो काफी पसंद आई मुझे। अब देखो यार, जैसा हमने सोचा होता है ना कि प्रेडिक्टेबल है ये पहुंचा देंगे, तो थोड़ा बहुत आप जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं होने वाला है, एक डिफरेंट एंडिंग मतलब कह सकते हैं कि हाँ इसमें ऐसा हुआ, तो हमें पसंद आती है वो एंडिंग में, हमें पसंद आती है। तो मेरी तरफ से इस मूवी को मैं देना चाहूंगा 7.5 out of 10। अगर आप लोगों ने ये एनिमे मूवी देख रखी है तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को मूवी कैसी लगी, अगर जिन्होंने नहीं देखी तो जाकर देखो, काफी बढ़िया मतलब मूवी है। अगर आपको पैप्रिका मूवी पसंद आई है, परफेक्ट ब्लू तो यार सच में अभी भी मेरी फेवरेट मूवी है। थोड़ा बहुत मैं कम कह सकता हूँ कि हाँ जो टोक्यो गॉड फादर्स हैं वो थोड़ी बहुत कम है एज कम्पेयर टू परफेक्ट ब्लू से, क्योंकि यार वो अलग ही है यार, होता है ना एक चीज का स्थान अलग ले लेते हैं दिल के अंदर, तो वैसा स्पेशल मतलब स्थान मैंने दे रखा है, तो किसको कह रहा हूँ परफेक्ट ब्लू को। खैर, इसके अंदर एडल्ट सीन है, थोड़ा मोटा एक एडल्ट सीन है, वॉयलेंस इसके अंदर नहीं है, तो अब थोड़ी मैंने आपको वार्निंग दे दी है, आपको अपने हिसाब से देख लेना। तो बस आज के लिए इतना रखते हैं इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।